I'm originally from West Bengal, Purulia, and Purulia is very small town of West Bengal, and this is my home's picture I took in 2016 in March. So आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे घर की कंडीशन कैसी है. सो जब मैं 2.5-3 साल का था तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिया. एंड मेरे फादर का ड्रीम था कि लाइक मैं क्लास 10 तक पढ़ूँ. सो बिकॉज मेरे नाना जी बुकारो स्टील प्लांट में जॉब करते थे, तो नाना जी के घर के कंडीशन बेटर था. सो जब मैं वहाँ पे धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, सो बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, छोटी छोटी बातों पे बहुत मार पड़ती थी. सो एंड आप इससे मेरे घर के कंडीशन कैसा रहा होगा, बिकॉज मेरे फादर घर खर्चे के लिए 20 रुपया देते थे हर दिन. सो आप उससे मेरे घर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर का कंडीशन कैसा होगा. सो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं घर से भाग जाऊं. एंड जब मैं 11 साल का था तो मैंने अपने मामा जी के जेब से थोड़े से पैसे चोरी किए एंड मैं ट्रेन पकड़ करके दिल्ली आ गया. मैं घर से भाग गया एंड जब मैं दिल्ली आया तो मैं पहली बार इतना बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म देखा. एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं बाहर गया और जाके घबरा गया कि मैं इतने भीड़ में कहाँ जाऊँ. सो मैं प्लेटफॉर्म में इधर से उधर वॉक कर रहा था, रो रहा था और इधर उधर जा रहा था, तो कुछ लड़के मेरे पास आए एंड मेरे से पूछा कि मैं घर से भाग करके आया हूँ. एंड आई सेड यस. एंड उन्होंने मुझे फर्स्ट दे ही सलाम बालक के एक शेल्टर होम में लेके गए. आसरा शेल्टर होम कहते हैं उसे, और वहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चे रहते हैं. सो वो शेल्टर होम हमेशा लॉक्ड रहता था, तो आई थॉट कि मैं किसी गलत जगह में आके फंस गया हूँ. सो मैं नेक्स्ट डे फिर वहाँ से भाग गया और प्लेटफॉर्म में जाके उन्हीं बच्चों से मिला. एंड उनके साथ मैं एज ए रैग पिकर का काम करने लगा. सो हम प्लास्टिक की बोतल कलेक्ट करते थे एंड उसमें पानी भर के हम जनरल बोगी में 5 रुपये करके बेच देते थे. बट प्लेटफॉर्म में ये दिक्कत थी कि कभी पुलिस वाले से मार खाना पड़ता था या कभी किसी सवारी का कुछ चोरी हो गया तो वो लोग अपने गुस्सा हमारे ऊपर उतार देते थे. सो आई डिसाइड कि अब मैं प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करूँगा. सो नई दिल्ली के बगल में अजमेरी गेट है एंड वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट रेस्टोरेंट है जहाँ पे रिक्शे वाले खाना खाते हैं. सो आई वेंट देयर एंड मैं वहाँ पे मुझे एक ढाबे में उन्होंने एज ए डिश वॉशर का काम दिया और मैं वहाँ पे 500 रुपीज़ मंथ में एज ए काम करना चालू किया. सो देन आई रियलाइज कि मैं क्यों घर से भागा, बिकॉज वहाँ पे काम का सुबह 6 बजे स्टार्ट होता था, रात के 11-12 बजे ख़त्म होता था. पूरे टाइम सो भी नहीं पाता था एंड मैं बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं था, तो मेरे हाथ पांव वगैरह में काफ़ी घाव वगैरह हो जाते थे. सो एक दिन एक वॉलेंटियर आया एंड उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो. सो उन्होंने मुझे सलाम बालक ट्रस्ट दोबारा से भेजा ड्रॉप इन सेंटर एंड मैं वहाँ पे जा कर के रहना चालू किया. एंड कुछ दिन बाद मेरा क्लास 6th में एडमिशन हो गया. सलाम बालक ट्रस्ट एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. मीरा नायर की 1988 में एक मूवी आई थी सलाम बॉम्बे, उस मूवी के सक्सेस से ये ट्रस्ट बना है. सो मैं वहाँ पे गया एंड देन जब मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया तो दे सेंड मी अपना घर. अपना घर में सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चे रहते हैं. सो मेरी रेगुलर स्कूल स्टार्टिंग हो गई. एंड जब मैं क्लास 10th में आया सो मेरे परसेंटेज बहुत कम आए, 48% आए, और मेरे टीचर ने कहा कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, सो मैं अपना ट्रैक चेंज करूँ और कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग करूँ. सो एनजीओ में उस समय बेसिकली जो ऑफर करते थे कि आप कुछ टीबी मैकेनिक का कोर्स कर लो या तो कुछ कंप्यूटर कोर्स कर लो, तो मैंने अपने टीचर को कहा कि मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है. बिकॉज 2000 में सलाम बालक में एक फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप हुआ था, जिन्होंने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था वो इंडोनेशिया श्रीलंका गए थे, तो मुझे लगा कि शायद फ़ोटोग्राफी करूँगा तो घूमने फिरने को मिलेगा. सो दैट्स वाई आई चूज़ फ़ोटोग्राफी. सो सलाम बालक से मुझे 2005 में निकलना था, बिकॉज मैं 18 साल के बाद हमें एनजीओ में रहना अलाउड नहीं है, बट एनजीओ उसके बाद भी सपोर्ट करते हैं. सो मुझे उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ़र के पास भेजा, उनका नाम है अनईमान एंड वो दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर है. तो उन्होंने मुझे जॉब दिया है जब फोटो असिस्टेंट की. आई गिव यू 3000 सैलरी, आई गिव यू सेल फोन एंड आई गिव यू बाइक. सो मुझे लगा कि वाह बहुत बढ़िया जॉब है, तो मैं उनके साथ ऐसे काम करना चालू किया और धीरे धीरे मेरे ड्रीम पूरे होने लगे. लाइक मैं उनके साथ इतना ट्रैवल करने लगा कि 2.5 साल में मेरे पास 300 बोर्डिंग पास इकट्ठे हो गए, तो मैं इतना ट्रैवल करता था, तो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा था. एंड देन सलाम बालक से मैंने लोन पे लेकर के एक कैमरा ख़रीदा था, निकोन F80 फिल्म कैमरा. एंड मुझे सलाम बालक उसके बाद हर महीने 3 रोल प्रोवाइड करते थे एंड उसके डेवलपिंग के खर्चे. सो ये मेरे घर के कुछ फोटोग्राफ्स हैं. सो 2007 में मैंने अपना पहला एग्जीबिशन लगाया स्ट्रीट ड्रीम्स. सो स्ट्रीट ड्रीम्स में मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि जब मैं स्ट्रीट पर रहता था
तो मैं किस तरीके से रहता था। सो मैं अपनी लाइफ दूसरे बच्चों के फोटोग्राफ्स के थ्रू मैंने दिखाया, और ये एग्जीबिशन इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगा था, अलका पांडे ने इसे क्यूरेट किया था, और ये एग्जीबिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा बिकॉज ये 3 times लंदन ट्रेवल किया, वियतनाम गया, साउथ अफ्रीका गया। सो ये जैसे नंदलाल है और मंगल है, ये जोरबाग रेड लाइट में, सो ये सुबह न्यूज पेपर, सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को न्यूज़पेपर बेचते हैं। ये विक्की है, पुणे से है, सो ये सीपी में पैसे के लिए वेट कर रहा है। अगेन विक्की हमारे वॉशिंग लाइन में एक कॉन्टैक्ट पॉइंट था, तो हमारे जब भी ये बच्चे वहाँ पे आते हैं तो उनको पहले नहाने के लिए कहते हैं, उनको मेडिकल प्रोवाइड करते हैं, देन उसके बाद उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड शाम को फिर ये। सो बेसिकली ये ऐसा मेरा लाइफ स्टाइल था, मैं भी ट्रैक पे इस तरीके से बोरी उठा करके बोतल कलेक्ट करता था। ये लाची है, सी इज़ बैलून सेलर, एंड अब इसके 2 बच्चे हैं, स्टिल सी लिविंग इन हनुमान मंदिर। और जब मैंने ये शूट किया था 2006 में, तब ये काफ़ी छोटी थी। एंड गार्बेज स्टोर सबसे सेफ जगह होता था हमारे सोने के लिए, बिकॉज वहाँ पे पुलिस वाले या बाकी लोग चेक करने नहीं आते थे कि क्या हो रहा है। सो हमें लेट तक सोना होता था, तो गार्बेज स्टोर इज सबसे सेफ जगह। एंड वॉशिंग लाइन में हमारे पास एक्चुअली कपड़े नहीं होते थे, तो हम वही सेम कपड़े धुलते थे और नहा करके उसी को सुखाते थे, एंड फिर दोबारा उसी को पहन लेते थे। तो वॉशिंग लाइन में बेसिकली ऐसा हमारा लाइफ स्टाइल होता था। सो 2008 में रामचंद्र नाथ एक फाउंडेशन है, उन्होंने मेरा नाम एक वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन में नॉमिनेट किया, एंड उस कॉम्पिटिशन में अराउंड द वर्ल्ड 4 photographers चुने। सो 2 अमेरिका से थे, 1 हांगकॉन्ग से था, और 1 मैं इंडिया से था। थैंक यू। तो मुझे न्यूयॉर्क बुलाया 6 months के लिए, और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकन्स्ट्रक्शन शूट करूँ। सो जब मैं ये रिकन्स्ट्रक्शन शूट, अब मुझे एक्चुअली हर दिन परमिशन नहीं था, हफ्ते में मुझे 1 दिन का परमिशन था और 2 घंटे के लिए सिर्फ परमिशन होता था। सो बाकी दिन में उन्होंने मेरा ICP में एडमिशन करवा दिया था। ICP इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफी स्कूल अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर फोटोग्राफी। सो आई टुक देयर डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी कोर्स। सो ये जब मैं न्यूयॉर्क में था, तो उस दौरान ये सारे मैंने फ़ोटो शूट किए हैं। सो जब मैं न्यूयॉर्क से वापस आया, सो हमारे सलाम बालक में एक अवार्ड प्रोग्राम चलता था, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल, और मैं उस अवार्ड प्रोग्राम का गोल्ड अवार्ड होल्डर था। सो उस अवार्ड प्रोग्राम के थ्रू मुझे लंच के लिए बुलाया बकिंघम पैलेस प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने के लिए। सो आने के बाद 2011 में मैंने ये रंग ओपन लाइब्रेरी स्टार्ट किया। सो बेसिकली ये फोटोग्राफी लाइब्रेरी है। सो मेरा एक कुलीग है चंदन गोम्स, हम दोनों ने मिलकर ये लाइब्रेरी स्टार्ट किया है। सो हमने क्या देखा, जो फोटोग्राफी बुक्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो यंगर जनरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो हमने सारे बड़े फोटोग्राफर से अप्रोच किया कि वो हमें ये फोटोग्राफी बुक डोनेट कर दें। सो एवरी वन इंटरेस्टेड टू डोनेट अस, एंड राइट नाउ वी हैव 400-500 फोटोग्राफी बुक्स। सो पहले हम एवरी अल्टरनेट संडे को करते थे, एंड जब भी करते थे एक एस्टेब्लिश फोटोग्राफर को बुलाते थे टॉक के लिए। एंड अब हमने ये लाइब्रेरी अरबिंदो सेंटर फॉर आर्ट में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज हमारे पास हर क्योंकि लोग अप्रोच करने लगे थे हमेशा कैसे एक्सेस करें ये बुक, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था हर दिन लाइब्रेरी ओपन करना। तो अब अरबिंदो सेंटर फॉर आर्ट में कोई भी कभी भी जा करके ये बुक्स एक्सेस कर सकता है। 2013 में नेशनल ज्योग्राफी ने फर्स्ट टाइम एक फोटोग्राफी रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया, एंड वो हम आठ फोटोग्राफर को श्रीलंका लेकर के गए। सो ये मिशन कवर शॉट के दौरान लिए गए। तो ये थैंक यू। सो ये टोटल 10 episodes का शो था, एंड मैं 9th episode में इस शो से बाहर निकला, मैं top 4 में था इस कंपटीशन में। थैंक यू।
2013 में मेरी पहली फोटोग्राफी बुक आई होम स्ट्रीट होम के नाम से। होम स्ट्रीट होम इस वजह से बिकॉज मैं पहले घर पे था, उसके बाद मैं स्ट्रीट पे रहा और फिर मैं शेल्टर होम में रहा। सो शेल्टर होम बिकम माय होम। सो उसके बाद मैंने शेल्टर होम की लाइफ दिखाई कि स्ट्रीट के जब मैं शेल्टर होम में रहना चालू किया, सो शेल्टर होम में मेरी लाइफ कैसी थी और शेल्टर होम के ये फोटोग्राफ्स कलर में, बिकॉज शेल्टर होम की लाइफ थोड़ी कलरफुल हो गई थी, अच्छे कपड़े मिल रहे थे, अच्छा खाना मिल रहा था। सो दैट्स वाई इस बुक का नाम होम स्ट्रीट होम रखा। सो बेसिकली हम अपने अंडरवियर इस तरीके से सेव करते थे बिकॉज बच्चे चोरी कर लेते थे। सो इस बुक के बाद 2014 में मुझे एक फेलोशिप मिला MIT मीडिया लैब बोस्टन से। सो आई वेंट MIT मीडिया लैब एंड उसके बाद वहाँ से जब वापस आया सो मुझे काफ़ी सारे जगह टॉक के लिए बुलाया। सो आई वेंट फेसबुक हेडक्वार्टर, आई वेंट गूगल हेडक्वार्टर, आई वेंट पेंटागॉन, व्हाइट हाउस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। थैंक यू। और जो मैं अपना काम भी करता हूँ वो काफ़ी सोशल चीज़ों से रिलेवेंट होता है। तो जैसे आई शेयर दिस पिक्चर इन माय फेसबुक एंड दिस गर्ल सेइंग कि हमारे स्कूल में पंखे होने चाहिए एंड देन माय वन फ्रेंड डोनेट फैन फॉर दिस स्कूल। थैंक यू। एंड ये मैंने trulymedley.com के लिए ये असाइनमेंट किया था। सो ड्यूरिंग ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी सारे जॉब भी ऑफर हुए थे। मुझे बहरीन में जॉब ऑफर हुआ था, मुझे न्यूयॉर्क में जॉब ऑफर हुआ था एंड काफ़ी हैंडसम सैलरी के साथ जॉब ऑफर हुआ था। बट आई सेड कि जो मेरा नेम फेम है वो मुझे दिल्ली ने दिया है, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं दिल्ली में रहूं। सो ये मेरे कुछ बुक जो पब्लिश हुए उसके अलावा, सो जैसे इसमें 2014 द वर्ल्ड एटलस स्ट्रीट फोटोग्राफी ये येल यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है, इसमें मेरे कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने यूज़ किए हैं। ये है वो बुक और इसमें वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्रीट फोटोग्राफर के काम चूज़ किए हैं एंड आई एम वेरी लकी, आई एम पार्ट ऑफ दैट बुक। बिकॉज इस बुक में इंडिया से सिर्फ 5 फोटोग्राफर हैं, उसमें से मैं एक हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। ये मेरे कुछ अवार्ड एंड रिकग्नाइजेशन है। थैंक यू। सो दिस इज माई लेटेस्ट अचीवमेंट, मैं अभी फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में आया हूँ। ये मेरे सोलो एग्जीबिशंस हैं, ग्रुप शो। सो मैंने स्टार्टिंग में अपने घर की फ़ोटो दिखाई थी कि मैंने मार्च में अपने घर की फ़ोटो खींची थी और मैं ये मैंने मदर डे पे अपनी मॉम को ये घर गिफ्ट किया।
So yeah, thank you so much for listening my story. Thank you. Thank you. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. Here we go, it's getting close. What a truly inspiring, absolutely humble journey. And the humility with which he narrated it, I had goosebumps. I think the entire audience just went through the same experience. We cannot close this without questions, and we have to do these questions personally. So we're going to have mics coming out to the audience. Let's have a show of hands, and we'll moderate a quick Q&A with Vicky. Thank you so much for that experience. So questions, audience? There we have one from... So I sincerely thank your humility, and I'm just curious to know how can you maintain that? I mean, how do you maintain that composure? The entire speech, the entire narrative that you had, you maintain utmost humility. How are you able to do that? I mean, sincerely, I don't know, not many people get high of it, and I have seen people being, I have taught in a Teach for India classroom, so I've seen my kids growing up and they become proud of their success, but I sincerely thank you for being able to maintain that. So my question is, how do you keep that calm? So basically, मैं उनका question पूरी तरीके से समझा नहीं. I'll try and translate. तो वो पूछ रहे हैं कि आप इतने humble कैसे रह रहे हो? उनके दो बच्चे जो हैं, जो अभी उनके जो बच्चे हैं, वो इतने humble नहीं हैं. तो आप कैसे वो maintain करते हो? ये सब achieve करने के बाद आपको कैसे ये maintain आप कर पा रहे हो? तो बेसिकली संस्कार सलाम बालक में हम जहाँ पे रहे हैं सो लाइक टीचर वगैरह हमें इतना टेक केयर करते थे एंड लाइक जो रिलेशनशिप था तो हमें कहीं पे भी हम गलत होते थे तो वो इस तरीके से हमें ट्रीट करते थे एंड इतना प्यार करते थे कि वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे समझ में आ गई. तो इस संस्कार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है लाइफ में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. विकी नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है. हेलो श्रुति मैम. पहली चीज़ मेरे सवाल से, जितना आपके बारे में अभी सुना है शायद वो उम्र भर याद रहेगा, और हो सके तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर आपके बारे में जितना ज़्यादा हो सके बताऊंगी, बिकॉज़ यू आर ट्रूली 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 फैंटास्टिक. मेरा सवाल आपसे ये है कि हम सब की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं और आपकी भी बहुत आई हैं. वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इतनी आगे ले गई और आज भी आपके पाँव बिल्कुल धरती पे हैं? थैंक यू सो मच. कैसे आगे बढ़ गए आप? बेसिकली बीच में थोड़ा सा जब मैं पहला एग्जीबिशन किया था तो उस समय एक दौर आया था कि मेरे अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया था, बिकॉज जब मेरा पहला एग्जीबिशन लगा था तो आई गॉट लाइक मेरे बैंक बैलेंस लाख रुपये से ज़्यादा हो गए थे. सो आई गॉट एटीट्यूड. मुझे लग रहा था अरे अब तो मैं फ़ोटोग्राफ़र बन गया हूँ, मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है. सो जो मेरे मेंटोर हैं, मुझे हर मोड़ पे मेंटोर अच्छे मिले हैं. सो मेंटोर को लगा कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ. उन्होंने मुझे एक दिन कोस्टा बुलाया, बैठा करके अच्छे से समझाया मुझे कि यू नो कि पहले आप मेरे से इस तरीके से बात करते थे, अब मेरे से आप इस तरीके से पलट के जवाब दे रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें कम करने की ज़रूरत है. एंड आई थिंक मेरी वो यंग एज की गलती नहीं थी, बेसिकली जो मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा गलत हो गया था एंड मैं धीरे धीरे उस फ्रेंड सर्कल से बाहर निकला एंड देन चीज़ें ठीक हो गई. वी हैव अ क्वेश्चन हियर ऑन द राइट. ओके, वी विल कम टू यू. विकी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. आई थिंक द सिंपलिसिटी जिस तरीके से आपने शेयर किया, इट वॉज वेरी ईजी टू रिलेट. हम बात कर रहे थे अभी बेल कर्व की डिस्कशन हो रही थी और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और सिखाएंगे.
I think this is a very clear example of how bell curve is not really required. But you know, you are 30 years old, my goodness. You have like probably many more years, another two sets of 30s easily. आगे क्या करेंगे? What do you think about the future? How do you see future? मैम, फ्यूचर में मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है, बट यू नो, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा फोटोग्राफी हिस्ट्री पढ़ना चालू किया है, सो उसमें देखा कि हर एक जनरेशन में कुछ ही ऐसे फोटोग्राफर आते हैं जिनको लोग हमेशा याद रखते हैं, बट उसको उस तरह का काम प्रोड्यूस करके जाना पड़ता है. तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो मैं अपना काम उस तरह का प्रोड्यूस करके जाऊँ कि मेरे जनरेशन में लोग मुझे ज़रूर याद रखें. So this is the last question. Hello. Vicky, thank you so much. आपने अपने experience हमारे साथ share किए. आपने बताया सलाम बालक ट्रस्ट आपका foundation था और आप वहाँ से इतनी आगे तक आए हो, तो वहाँ पर और भी बच्चे हैं और आप अब इतने ऊपर पहुँच चुके हो, तो आप उनके लिए कुछ कर रहे हो ताकि वो भी अपने dreams पूरे कर सकें? एक्चुअली सलाम बालक ट्रस्ट ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो, और सिर्फ मैं नहीं, सलाम बालक के मेरे बैच के जितने बच्चे मेरे साथ बाहर निकले थे, तो उसमें से बाकी बच्चे भी बहुत फैंटास्टिक कर रहे हैं. सो कोई प्रोफेशनल डांसर है, कोई कोरियोग्राफर है, कोई पपेटियर है, एंड दे डूइंग फैंटास्टिक अपने फील्ड में. सो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, बिकॉज सलाम बालक के जितने भी बच्चे, बिकॉज पहले मेरे ख्याल से ट्रस्टी को जब हमारा बैच निकला था, तो उस समय ट्रस्टी को उतना बिलीव नहीं था कि बच्चे बाहर निकल के, लेकिन जब बच्चे बाहर निकल के अच्छा काम करने चालू किए, तो जो बाकी सलाम बालक के बच्चे हैं उनके ऊपर ट्रस्टी आंख बंद करके पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसको जो करना है, जो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है चेन्नई से, सो जिसको लाइफ में जो करना है, हमारे ट्रस्टी एकदम आँख बंद करके सपोर्ट करते हैं. और हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो आप हमें कुछ बताइए जिससे हम भी ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम में से जो जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी तरह वो भी और आगे बढ़ सकें. ज़रूरी नहीं है कि कंट्रीब्यूट करें, आप आके अगर वॉलेंटियरिंग भी करेंगे सलाम बालक ट्रस्ट में, वो बच्चों के लिए बहुत है. सो आप लाइक सलाम बालक के वेबसाइट पर जाइए या सलाम बालक को कॉन्टेक्ट कीजिए, एंड वहाँ पर जा करके आप बच्चों के साथ वॉलेंटियरिंग करें, उनके साथ चीज़ें टीच कर दें उनके, जो उनके लिए बहुत बेटर है. जैसे बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन में थोड़ी सी कमी रह गई है, सो बेसिकली आजकल ये होता है कि वो बाहर जॉब करने जाते हैं तो वो इंग्लिश प्रॉब्लम फेस कर सकते, तो मे बी आप जा करके उनको इंग्लिश टीच कीजिए या और भी कुछ. और मेरे ख्याल से आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, बट हमारे ट्रस्टी यहाँ पर है, तो मैं चाहूँगा कि वो आंसर कर दे इसका. You will be hearing about the Salaam Balak Trust in the evening during the awards. We would be recognizing the two important ladies who are running this trust. One of them is 86-year-old. She's Meera Nair's mother. And another one who is on the board. Gagan, stand up. Yeah, this is really... She's here and she's going to talk more details about Salaam Balak Trust. And yes, I really appreciate you young girls saying that, you know, But since you asked the question, we need volunteers and we need money, a lot of money. I'll tell you about it in the evening. And still, हम सलाम बालक से निकल गए, but अभी भी हमें कोई problem होती है, सलाम बालक अभी भी हमारे पीछे like a strong pillar हमेशा खड़े रहते हैं. So thank you so much, ma'am.